गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज काफी लोगों का वीडियो ऑन है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। ऐसे नहीं लग रहा है कि ब्लैंक स्क्रीन से बात कर रही हूँ, बिकॉज टुडेज सेशन इज एक्चुअली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी डिफरेंट। दिस इज अ टॉपिक जिसका मुझे सच में एबीसी भी नहीं पता है, एंड आफ्टर द सेशन आई एम होपिंग दैट आई विल नो अ लॉट more about tarot and crystal healing, because Sheetal is a girl whom when I spoke I thought she has, you know, all round knowledge about the subject. So I think usne iske around jitna kuch hota hai na usne sab cheez ka knowledge gather kiya. She has done a phenomenal research on this subject. So she is a pranic healer. She is a pranic psychotherapist. She is into pranic crystal healing. She has done tarot reading from International School of Astrology and Divine Sciences. She has done tarot card success course from Saljade. She has done courses from World Pranic Healing Foundation and Crystal Healing Practitioners course. So, इसके अलावा शी इज ऑल्सो डूइंग रिसर्च ऑन एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी, एंड वो उसको सब चीज को कनेक्ट करके शी इज यू नो यूजिंग दिस हीलिंग टेक्निक ऑफ क्रिस्टल एंड टैरो रीडिंग टू हेल्प पीपल इम्प्रूव देयर लाइफ एंड लाइफ स्टाइल्स। सो शीतल, फिनोमिनल थिंग विच यू आर डूइंग, एंड आई एम सुपर इम्प्रेस्ड विद योर नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट. The way you explained me the other day about, you know, how you are collating all the information from different sources, it is going to be very good when you start practicing professionally. So we welcome you as a mentor today, Sheetal, for the session, and we are looking forward to know all about what is tarot reading and what is crystal healing and how it can help us. Welcome, Sheetal, and let's begin the session. Thank you so much, Kavita, for your kind and humble words. इतने सारे जो तुमने words बताए, शायद मैं खुद अपने आप से भी relate नहीं कर पा रही हूँ. No, fabulous. You know, awesome opportunity of being able to speak amongst friends and with whom I have learned so much, I have grown so much, and who have, you know, given me this courage and inspiration to you take my learning, take my, you know, this career forward. So thank you all for being here today. Thank you so much for, and I'm like, I think we are in this awesome journey together. So let's, you know, move ahead with our topic. Kavita, if you'll just allow me to share my screen. Yes, absolutely. The screen is clear? Visible, yes. Yeah. So, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसका कि हमारा जो आज का ये चैप्टर है कि what is tarot reading and crystal healing. जो जब से सबसे पहले हमारे सामने ये बात आता है कि what is tarot reading, most of the people we have this vision कि कोई एक फीमेल होगी जो एक ब्लैक रोब में फ्लोइंग कपड़ों के साथ एक क्रिस्टल बॉल लेके बैठी है कैंडल लिट डिनर में, जो हमें एक थोड़ी सी विची सी फील आती है कि ये पता नहीं ये क्या है, ये क्या एनर्जी है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ जादू नहीं है, कोई मिरेकल नहीं है, कुछ टोना टोटका कुछ भी नहीं है. इट्स अ वेरी सिंपल, इट्स अ वेरी डिवाइन एंड स्पिरिचुअल स्टडी जो हमें बताता है कि हाउ कैन वी फ्रेम अ फ्यूचर एंड वॉट आर द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल टू अस फॉर अ फ्यूचर. Actually, अगर हम गौर से देखें तो दीज कार्ड्स, द 78 कार्ड्स विच आर टैरो कार्ड्स कंसिस्ट्स ऑफ, इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन जर्नी. हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र, हर एक पहलू को इसमें बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है जो हम अपने जीवन में, हमारे जीवन में हम इसे आए दिन फेस करते हैं, उसको इन्होंने बहुत, जब से हम हमारे बर्थ से लेके हमारे डेथ तक, हमारे जीवन के हर एक पहलू को, हमारे हर एक हिस्से को इन्होंने बहुत खूबसूरती से बताया है कि हमारे लाइफ में क्या होता है और ये कैसे चलता है. और देखा जाए तो इट इज अ स्टोरी बुक ऑफ आर लाइफ, इट इज अ मिरर ऑफ आर सोल विच वी आरसेल्फ्स डोंट नो, बिकॉज हमारे अंदर इतना कुछ चलता रहता है, कभी हम किसी और चीज पे एम्फोसिस देते हैं एंड डीप इनसाइड वी आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग एल्स और आवर सोल इज ट्राइंग टू से समथिंग एल्स.
it helps us tap our inner wisdom. So it's like a life coach, which helps us, you know, guide correctly in all walks of life. So if we are confused कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए या क्या चीज, क्या डेस्टिनी हमारे लिए बेस्ट है, तो इट इज लाइक अ रे ऑफ लाइट विच टेल्स यू हाउ यू कैन मूव अहेड इन योर लाइफ विथ यू नो द मोस्ट एप्ट चॉइसेस विच इज मेड फॉर यू. अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आर टैरो कि ये 14th सेंचुरी से इटली में आ चुका था, बट इट वॉज लेट इन द 16th सेंचुरी व्हेन दे स्टार्टेड ट्रीटिंग दिस एज अ डिविनेशन टूल. एंड most popular and followed deck which we most of us you know start our learning with and then we explore to other decks is like the Rider-Waite deck jisse artist Pamela Coleman Smith ne design kiya hai. So this was done in the 19th century. I'm a small brief of the history. Yeah. And when we tell about the tarot, we use a lot of these words as spirituality and So generally there is a lot of confusion between spirituality and religion, and here I would like to define it very ki religion is our personal beliefs and our practices which we as a community, as a group which we follow. Chahe wo idol worship ho, rituals ho, puja ho, it is like a group which carries a particular religion practices. Whereas spirituality, it focuses on the individual, on the soul journey, hamare inner soul, andar karmas, hamare lessons, hamare feedbacks, hamare jo mind impressions hai. Bahut log hote hain jinke ek se zodiacs hote hain ya jo ek jaise ghar mein rehte hain, magar sabki life journey ek jaisi nahi hoti. To hum chahe kitne bhi community mein involved ho, family mein involved ho, hamari sabki ek personal, ek individual soul journey hoti hai. So to sum it up, we can say spirituality is the goal where we all want to reach, whereas religion is the way. We can have different ways, we can believe in different gods, we may have different ways of worshiping, but ultimately our goal is to realize the inner self, growth of the inner self, hamare self soul ka. Absolutely. And conscious and aware of who we are and what's happening around us and what are the lessons which we are supposed to learn in our lifetime and how we are supposed to move ahead. So this is a fine, you know, difference between religion and spirituality. So now the question which comes up is why tarot and how does it help? See, tarot gives us a clarity to our inner wisdom jo hame bhi nahi pata kabhi ki hamare kya strengths hai, hamare kya weaknesses hai aur hame kis par play karna chahiye. And then at the same time, we realize what is important and what is not so important in our life, which can be put on a hold. बहुत बार हम ऐसी छोटी-छोटी बातों पे या ऐसी छोटी-छोटी चीजों पे focus करते हैं जो हमारे life का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है या हमारे life में हमेशा नहीं रहने वाला है. We waste so much of our valuable time and energy on things which were actually not required. छोटी सी बातों पे हमें stress हो जाता है या depression हो जाता है. But if we know ki this is not an important aspect of our life aur hame aur creative cheeze hai jin pe hame apna focus karna chahiye, to we will very easily be able to shift and diversify our energy there. And since this is a divine science which actually works as tapping into your subconscious energy, ye hame life mein correct choices lene mein help karta hai. Jaise ki फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल अगर मैं दू, अगर आप घर खोज रहे हो एंड यू हैव द ऑप्शंस ऑफ टू और थ्री हाउसेस, तो मे बी इफ यू गो थ्रू द चॉइसेस कि किस घर को लेने से, किसी घर का कोई आपको ये सुविधा हो सकता है कि इट गिव्स यू लॉट ऑफ प्राइवेसी एंड स्पेस, किसी घर का ये सुविधा हो सकता है कि इट इज यू नो वेरी इजिली एक्सेसिबल, नेटवर्किंग अच्छा है जिससे आपको आने जाने में बहुत ईजी होगा, किसी घर, कोई घर बहुत स्पेशियस हो सकता है. सो व्हेन यू नो कि आपको किस घर में क्या सुविधा मिलती है, तो फिर आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यू आर इजी, यू कैन टैप कि भाई हमें ज्यादा आना जाना नहीं है तो ये अच्छा है, या हमें स्पेस ज्यादा चाहिए तो हमारे लिए ये अच्छा है. तो ये आपको बहुत चॉइसेस बताता है और उसको एक डेफिनेट तरीके से बताता है, एंड अकॉर्डिंग टू दोज चॉइसेस यू कैन डिसाइड व्हाट इज बेस्ट फॉर यू. इट इज लाइक यू नो ड्राइविंग अ कार in which you have all the road signals, so the
obviously the journey becomes very smooth because if you know there is a bumper ahead or there is a U-turn ahead or there is a sharp end, sharp bend ahead, तो आपकी जर्नी बहुत स्मूथ हो जाती है क्योंकि अगर रास्ते में अचानक से कुछ आए तो रुकावट आए तो हम आ जाते हैं या हमारा पाथ थोड़ा देर के लिए हिल जाता है. तो इट्स बेसिकली टेकिंग चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ बाय सीइंग व्हाट इज लाइंग अहेड ऑफ यू एंड इट मोटिवेट्स यू एंड हेल्प्स यू टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ. सो इट्स लाइक अंडरस्टैंड योर हिडन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड टेक चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ by what is best available to you, the best choices which are available to you. So how tarot work and why it doesn't work in certain cases. Maximum aap agar dekhenge to hame bahut confusion hai logon ko ki they are like shuffling of the cards hai and then they predict the future, but it's basically tapping into your subconscious mind, tapping into your energy. As human beings, as universe, we are all one. We are all made up of the same matter, same energy. Actually, dekha jaye to we are made up of the same matter and energy as the entire universe is made up of. Aur jaise hamare planets hain, isiliye wo hum par itna asar kar paate hain kyunki hamari aur unki connection hai energy world se, electrical magnetic world se. हमारे मैटर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, क्योंकि हमारा मैटर उनका मैटर हमारा एनर्जी वी आर एट द सेम लेवल, तो हम पर इतना इन्फ्लुएंस कर पाते हैं. तो इट्स लाइक टैपिंग टू योर एनर्जी. जब हम आपकी एनर्जी को टैप करते हैं तो इज गोइंग ऑन इन योर माइंड, व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर सबकॉन्शियस माइंड, द फेजेस, एनर्जी ब्लॉकेजेस विच यू आर हैविंग, या अगर आप किसी सिचुएशन में है तो आपको क्या एनर्जी ब्लॉकेजेस है जहां आप स्टक हो, जिससे आप मूव अहेड नहीं कर पा रहे हो, इससे बहुत ये अच्छे से पता चल सकता है. क्योंकि अगर आप अपने इनर विजडम के लिए में जानना चाहते हो, द सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने आता है कि हाउ टू वी क्वाइट आवर माइंड, बिकॉज सो मच इज गोइंग ऑन इन आवर लाइव्स ऑल द टाइम, सो मच इज गोइंग ऑन इन आवर माइंड ऑल द टाइम, इट बिकम्स यू नो वेरी डिफिकल्ट टू क्वाइट योर माइंड, लुक डीप इनसाइड एंड गैदर योर ओन विजडम. सो इट्स लाइक बेसिकली टेकिंग अ हेल्प फ्रॉम आउटसाइड. So the person is tapping into your energy and guiding you through your energy world, and it doesn't work. क्योंकि अगर आपके energy blockages हैं, आप अगर सामने it doesn't work because suppose आप एक किसी doctor के पास जाते हो और आप उनसे कहते हो कि आप हमें medicine prescribe कर दीजिए. Doctor आपको पूछ रहा है कि symptoms क्या है या आपको बीमारी क्या है, आप कहते हैं वो तो हम नहीं बता सकते हैं मगर आप दवाई दे दीजिए हमें, तो doctor आपको कभी भी दवाई नहीं दे पाएगा. So until tell what situation you are stuck in and you have this open mind of accepting what the other wants to share with you, this will not work. Kyunki agar aap apni energy ko block karte ho kisi ko experiment karne ke liye ya kisi ko jaane, to aap ek energy barrier karte ho, aur aap jab ek energy barrier karte ho to koi bhi insaan aapke energy ko tap nahi kar payega. So whenever you approach with an open mind and be open, be receptive to what is coming. Don't be biased, don't judge. The open mind, you will be able to, you know, get more information, some deeper meaning to your life, which the other person will be able to tap, which you yourself, you know, you're not aware of. So how it is done? It is basically done through a tarot spread. स्प्रेड एक जिसमें अलग अलग जगह अलग अलग कार्ड्स खुलते हैं और किस जगह पे क्या कार्ड्स खुलते हैं उसके हिसाब से उसका मीनिंग तय होता है. अगर 10 जगह में अलग अलग पोजीशन पे रखूं तो एवरी टाइम इट्स मीनिंग चेंजेस इन रेफरेंस टू यू. शीतल, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है आई गेस इन द इंटरनेट कनेक्शन. एग्जांपल देखे मैं ये बात समझाती. Are we clear now? Should I hold? हाँ, एक बार tarot spread जो आपने बताया ना, आप बता रहे थे ना कि अलग अलग स्पेस पर जब अलग अलग कार्ड्स रखते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. उसके बाद आपने क्या बोला वो नहीं समझ में आया. शीतल, आई थिंक सम इंटरनेट इश्यू एट योर एंड. हाँ, तो कैन यू हियर मी?
Yeah, Sheetal. Yeah, can you hear me? Yes, yes. तो हम लोग जब अलग अलग जगह पे अलग अलग कार्ड्स खोलते हैं तो उसका मतलब चेंज हो जाता है. जैसे ये 3 कार्ड स्प्रेड है पार्ट ऑफ फ्यूचर पे, इसमें देखिए फ्यूचर फॉर एग्जांपल एक अति ब्राइट प्रॉस्परस हैप्पी फैमिली दिखा रहा है. अगर यही पास्ट खुल जाता है और पास्ट वाला कार्ड फ्यूचर में खुल जाता है तो इन दोनों कार्ड्स के मतलब चेंज हो जाते हैं. ये आपके लाइफ में कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, या कि जिसमें एक इंसान के सामने ये देख होंगे कि आप 7 कप्स खुले हैं, अगर ये आपका फ्यूचर है और अगर यही ये आपका फ्यूचर है तो मतलब आप फ्यूचर में अभी भी कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि आपने अपना अभी तक डिसीजन डिसाइड नहीं किया, कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड नहीं किया. तो इस तरीके के न्यूमरस स्प्रेड्स हैं जिसके न्यूमरस कार्ड्स खुलने से उसके मतलब चेंज हो जाते हैं. So this is basically how they carry on with their readings. So coming up next is how to frame up a question so that we can get the best of our tarot card reading. This is very important. Instead of asking what I should do in my life, you should ask questions which help you frame your future so that you can take charge of your life. आपको अगर अपने करियर में आप कंफ्यूज्ड हैं, इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाट करियर टू चूज. शीतल, आर यू यूजिंग अ वाईफाई? शीतल, इंटरनेट व्हिच यू आर हैविंग एंड देन सी व्हाट प्रोस्पेक्ट ईच हैविंग. शीतल, इंटरनेट अनस्टेबल है आपका. सो आर यू यूजिंग अ वाईफाई और अ हॉटस्पॉट? आई एम यूजिंग अ वाईफाई. एक बार आप देखो ठीक चल रहा है क्या वाईफाई, नहीं तो यू कैन यूज हॉटस्पॉट ऑल्सो फोन का. मैं हॉटस्पॉट ले लूं क्या? हाँ आई थिंक सो. Wi-Fi. Kavita, can you hear me now or should I shift to hotspot? Hello? No, they can't hear me. Hello? Yes, Sheetal? Can you hear me, Kavita, now? Yes, I can hear you now. And फोन को लैपटॉप से थोड़ा दूर रखो ना एक बार, मे बी दैट विल हेल्प. ओके ओके. शुड आई कंटिन्यू? यस यस यस, अभी ठीक है एकदम. हाँ, सो वी शुड ऑलवेज आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस. हम एग्जांपल दे रहे थे वो करियर रिलेटेड वाला, कि जैसे यू हैव चॉइस टू मेक इन 2 or 3 करियर्स. So what you can do is like ask the possibility of each career for your future. क्योंकि हम लोग में से बहुत जन housewives हैं who want on their houses along with their careers. Some might be interested in a lot of monetary raise. Then some might be not having a problem with the office scenario. बस उन्हें एक बार development के path पे जाना है. So when you ask open-ended questions ki kaun sa career aapke liye future mein kya hold karta hai, they can give you a brief outcome ka uska scenario jisse aap apne suitability ke hisab se apne choices ke hisab se correct cheez apne liye choose kar sakte hain. Agar aap ek housewife hai to maybe you will go for a option which gives you more time for your family. If your mind is focused on monetary things at that particular moment, then you can choose a career which is more promising and which fulfills more growth. Similarly, this knowing what is holding, which career options is holding what for you, you can make the best choices for yourself. So instead of asking the tarot to guide you, choose you, ask tarot to help you choose. Take the uska Sheetal.
फॉर एग्जाम्पल सपोज मुझे जानना है कि मैं कौन सा करियर चूज करूं. सो आई हैव टू ऑप्शंस. मे बी आई वॉन्ट टू बी अ बेकर और शुड आई स्टार्ट द बेकरी फ्रॉम हाउस और शुड आई स्टार्ट अ बेकरी फ्रॉम अ आउटलेट. ठीक है, ये मेरे दिमाग में है. तो मुझे क्या पूछना चाहिए टैरो रीडर को? आप ये पूछिए कि बेकरी फ्रॉम हाउस और बेकरी फ्रॉम होम, तो आप उसका दोनों बेकरी फ्रॉम हाउस और बेकरी फ्रॉम अ शॉप. हाँ, बेकरी फ्रॉम हाउस और बेकरी फ्रॉम शॉप, तो वो आपको दोनों चॉइसेस आप दीजिए. दे विल टेक आउट द कार्ड फॉर बोथ द ऑप्शंस फॉर यू. बेकरी फॉर हाउस के लिए अगर वो आप चॉइसेस निकालते हैं तो वो कैसे कितना फुलफिलिंग होता है आपका बिजनेस, क्या आपको टाइमिंग होता है, उसकी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है वो आपको बताएगा. एट द सेम टाइम व्हेन यू आर डूइंग द स्प्रेड फॉर बेकरी फ्रॉम आउटलेट, वो आपको अगेन बिजनेस ग्रोथ का क्या प्रोस्पेक्ट है आपको बताएगा, वो कैसे मोनिटाइज होगा, कैसे फ्लरिश होगा, उस पर आपको कार्ड्स बताएंगे और उस बेसिस पे आप चॉइस कर पाएंगे कि विच वन इज बेटर फॉर यू. क्योंकि अकॉर्डिंग फ्लरिशिंग किसमें ज्यादा होगा उसका चॉइस वो देगा और आपके ऑप्शंस क्या बेटर है ये आपको पता है. तो दोनों को सम अप करके आप अपने पर्सनल सर्कमस्टांसेस को अपने फ्यूचरिस्टिक प्रोविजन से सम अप करके आप खुद अपने लिए एक चॉइस कर सकते हैं. क्योंकि वो आपको कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो आप घर बैठे नहीं कर सकते हो, तो मे बी दे विल सम ब्लॉकेज ऑफ एनर्जी इन दैट केस. तो यू विल ऑटोमेटिकली कम टू नो कि नहीं, आई शुड मूव अहेड एंड गो इन दिस लाइन. तो जैसे आपके क्वेश्चन होंगे उस हिसाब से ये जैसे आपने ये जो एक क्वेश्चन पूछा, दिस इज अ वेरी एप्ट क्वेश्चन क्योंकि ये आपको दोनों का प्रोविजन बताएगा एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट यू विल बी एबल टू जज वेरी इजीली. ओके, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज लाइक बी पॉजिटिव एंड बी ओपन टू व्हाट यू आर आस्किंग. अगर आपका कोई एनर्जी ब्लॉकेज है एंड द पर्सन वॉन्ट टू नो मोर डिटेल, डोंट हाइड दोज डिटेल्स. क्योंकि टू टैप इन टू योर सबकॉन्शियस एनर्जी एंड टू गिव यू इन डेप्थ रिव्यू ऑफ व्हाट यू शुड नीड टू बी नोइंग, सर्टेन क्वेश्चंस हैव टू बी आस्क्ड विच विल गिव यू ओनली फर्दर क्लैरिटी टू मूव अहेड विथ योर गोल्स. आई होप आई एम नॉट गोइंग वेरी फास्ट. नहीं, ठीक है शीतल. ठीक है, एंड नाउ वी कम अप कि अगर हमारे लाइफ में हमें सिर्फ चॉइसेस लेने हैं तब तो ठीक है, बट व्हेन वी हैव एनर्जी ब्लॉकेजेस हाउ डज देन टैरो हेल्प यू. सो सिंस टैरो इज अ डिविनेशन टूल विच इज यू नो एसोसिएटेड विथ न्यूमरस अदर डिविनेशन टूल्स, न्यूरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, कबाला सिस्टम है, गोल्डन डॉन है, तो इस तरीके से और basically it works on the elements, five elements of air, water, earth and fire, and the fifth element is we ourselves, the soul energy. So basically by working on these five elements and the seven chakras which we have in our energy body, because it is like tapping into our energy system, hame iske numerous remedies hai jo hum upay kar sakte hain apne energy blockages ko hatane ke liye. And जेम स्टोन्स है, क्रिस्टल्स है, मंत्रास है, हमारे ये जो टैरो है ये एस्ट्रोलॉजिकली हमारे प्लैनेट से कनेक्टेड है. तो अगर हमें किसी प्लैनेट से प्रॉब्लम है तो प्लैनेटरी डेटीज है उनको वर्शिप करने, अगर हम रिलीजियस है तो हम प्लैनेटरी डेटीज को वर्शिप कर सकते हैं, उन्हें ऑफरिंग कर सकते हैं, हम अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं. हम अगर मंत्रास में बिलीव करते हैं, वैदिक मंत्रास में, तो उपचार हम कर सकते हैं. Our gems and crystal, they play as a very important, you know, healing role in tarot. So this is only the remedies of tarot is what leads us to our in our next section of crystals. So जैसे आप सभी gemstones से तो आप सभी परिचित हैं कि gemstones हम लोग astrologically बहुत लोग prescribe करते हैं, बहुत लोग होगा. तो बेसिकली क्रिस्टल्स आर ऑल्सो मिनरल्स. जैसे जेम स्टोन्स आर मिनरल्स, क्रिस्टल्स आर ऑल्सो मिनरल्स विच आर फाउंड इन द अर्थ्स क्रस्ट एंड दे हैव अ हीलिंग वाइब्रेशन. उनकी अपनी एक एनर्जी होती है जो हमारे कॉन्टैक्ट में आने से उनके रेडिएशन हमारे ऊपर पड़ते हैं. सो दे आर बेसिकली जस्ट लाइक जेम स्टोन्स, मिनरल्स लाइक जेम स्टोन्स. सो वॉट इज क्रिस्टल हीलिंग?
बेसिकली क्रिस्टल हीलिंग इज अ ऑल्टरनेट हीलिंग टेक्निक जिसमें हम जेम स्टोन्स को यूज कर सकते हैं और इसकी हमें टू क्योर आर एनर्जी ब्लॉकेजेस दे कैन बी यूज टू क्योर एलिमेंट्स डिजीजेस एंड इवन इम्प्रूव रिलेशनशिप्स एंड इवन टू अट्रैक्ट वेल्थ एंड लेट मी टेल यू हाउ वी डू दैट एंड हाउ क्रिस्टल्स वर्क. एक्चुअली जैसे कि मैंने बताया वी आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू द एनर्जी एंड मटीरियल वर्ल्ड सिमिलरली crystals are also connected to us through the energy world. Basically, this human kingdom, animal kingdom and mineral kingdom is all we consist of. Aur agar dekha jaye to hamara human body is 70% of water, which is basically a form of liquid crystal. Hum khud bhi ek liquid crystal hai. Isiliye dusre planetary grahon ka asar hum par itna hota hai. सन मून का प्रभाव हम पर इतना होता है क्योंकि ओशंस पे अगर होता है तो हम पर भी होता है क्योंकि हमारा बॉडी 70% वाटर. दीज क्रिस्टल्स दे आर इनएग्जॉस्टेबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड दे आर एट द सेम वेवलेंथ एंड वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज एज आर एनर्जी चक्रास आर. जैसे एनर्जी चक्रास एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन पे वो वाइब्रेट करते हैं वैसे ही क्रिस्टल्स वाइब्रेट करते हैं और हमें जिस चक्रा में या जिस सिचुएशन में एनर्जी ब्लॉकेज होता है उससे रिलेटेड चक्रा होने से वो हमें बहुत एड करता है टू रिकवर फास्टर रिमूव आवर एनर्जी ब्लॉकेजेस एंड यू नो ओवरऑल अपलिफ्ट आवर बॉडीज हेल्थ एंड एनर्जी एंड दे हेल्प्स अस इवॉल्व ऑल्सो. So, there are numerous uses. मतलब अगर मैं enlist करने जाऊँ तो these are just सारे. हाँ, there are numerous. They can be basically used in every aspect of our life, healing ailments and curing diseases, activation and balancing of chakras, which are actually very interrelated. क्योंकि हमें disease तभी होते हैं जब हमारे energy body में balance खराब हो जाता है, जब हमारे energy chakras का balance होता है over activation या under activation की वजह से. They protect us from negativity. जैसे हमें लगता है कि किसी का psychic attacks पे हम believe करते हैं और अगर black magic पे believe करते हैं, हम अगर psychologically देखें कि अगर हमें कोई barriers है, blockages है, तो ये हमें हर तरह की negativity से protect करते हैं. हमारे relationship problems को ये heal करते हैं. यहाँ तक कि हमारे financial and career problems को भी ये heal करते हैं. क्योंकि हम क्या financial और career problem है हमारे life में, वो हमारे खुद के एनर्जी सेंटर से रिलेटेड है. सो व्हेन वी वर्क ऑन दोज एनर्जी सेंटर्स दे एक्चुअली हेल्प अस रिमूव ऑल ब्लॉकेजेस. स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में ये हमें हेल्प करते हैं इन मेडिटेशन इन डिविनेशन लाइंस एंड ऑब्वियसली डेकोरेशन के लिए तो और ज्वेलरी मेकिंग के लिए तो सदियों से हम यूज कर ही रहे हैं और डेकोरेशन से भी ये हमारे घरों में एक बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब्स एड करते हैं. तो देर आर मल्टीपल वेज इन विच वी कैन यूज आर क्रिस्टल्स. Sheetal, is Swarovski also a crystal? No, Swarovski is not a crystal. This is, I am talking of natural crystals which are, you know, jo earth's crust mein bante hain, okay. Not man-made. Okay. Swarovski is just for designer jewelry. Okay. And how to, aur jitna aapka crystal, jitne zyada raw form mein hai, wo utna zyada uska energy potent hai. Jitna kam temper kare, wo utna aapke liye zyada acha hai. How to cleanse and energize a crystal? हम लोग के घरों में आप जेम स्टोन्स बहुत लोग पहनते होंगे, हम लोग डायमंड्स पहनते हैं. तो जेम स्टोन्स जैसे हमारे एनर्जी बॉडी को असर करता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे अडेप्ट नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम अस ऑल्सो एंड दैट गेट्स स्टोर्ड इन देम. तो अगर हमारे घरों में किसी भी तरीके के जेम स्टोन्स है या क्रिस्टल्स है, हमें एक रेगुलर इंटरवल में उसे क्लीन करना चाहिए. Cleaning is very, very simple. There are some steps which I have written. Like we can just wash it normal with salt water for 2 to 3 minutes. हम धूप बत्ती दिखा सकते हैं, जो धूप हम घर पे चलाते हैं, धुनी करते हैं, वो कर सकते हैं. हम मेडिटेट कर सकते हैं उनको कि उनकी नेगेटिविटी या उनकी जो ब्लॉकेजेस आ गई है वो क्लियर हो जाए. अगर हम गॉड में बिलीव करते हैं, अगर हम रिलीजियस पर्सन है, वी कैन जस्ट से अ नॉर्मल प्रेयर टू एनी गॉड कि प्लीज हेल्प अस क्लीन द एनर्जी ऑफ दिस स्टोन और दिस क्रिस्टल. हम उसे मून लाइट पे रख सकते हैं व्हेन देयर इज प्रेफरेबली अ फुल मून, या सन लाइट में रख सकते हैं. लेकिन अगर हम सन लाइट में रख रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें दिन में कड़ी धूप में नहीं रखना है,
because the crystal loses its, you know, color and vibrancy. तो हमें बहुत सुबह हल्की धूप में उसे एक घंटा आधी घंटा बाहर रखने से भी you know sunlight cleanses the negative energy. और हम mind intent भी कर सकते हैं अपने you know हाथ में अपने crystal को लेके कि you want to get rid of all the negative energies which has got absorbed in it. And water is a very simple way, you know, washing under clear water, because water removes all negativity. और बहुत ही एक cleansing fluid होता है water, जो बहुत easily हर चीजों को cleanse करता है. When not to wear a crystal, this is very important. People who are suffering from very high BP, people who are suffering from heart problems, people who are suffering from maybe leukemia, tumor, cancer, cancer, and out of the way psychological imbalances, jinko hai out of the way stress hai ya depression hai ya anxiety hai, tend to activate your lower chakras more on a base. A normal level, they tend to activate your basic, and these are all related to your basic chakras. Halaki aise bhi crystals hain which helps you in these conditions, but when you have these conditions, don't just randomly keep any crystal and wear anything without consultancy, because you should what are the psychological imbalances or the energy blockages which you are having, and your physical ailment should also be taken into consideration. क्योंकि हो सकता है अगर आपको फिजिकल एलिमेंट हो तो कोई चक्र आपका अंडर एक्टिवेटेड नहीं बल्कि ओवर एक्टिवेटेड हो, और अगर मैं एक्टिवेट करने का क्रिस्टल दे दूं तो ये क्या होता है, आपकी फिजिकल कंडीशंस और खराब हो सकती है. सो इट्स बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट टू यू नो गेट योरसेल्फ डायग्नोसिस फर्स्ट एंड देन टेक अप अ क्रिस्टल. देन हाउ टू नो बेस्ट विच क्रिस्टल्स आर बेस्ट फॉर यू, ऑब्वियसली टैरो the very primary basic medium of knowing, because they exactly tell you where your energy blockages are, which chakras you are having blockages on, and chakra analysis hota hai alag se jisse aapko ek deeper insight milta hai on your physical health, mental health, psychological health, jisse hum aapke remedies aur aapke blockages ke bare mein acche se jaan sakte hain, aur iska detail mein aapko janne ke baad hi aapko prescribe karna chahiye. But let me tell you some very safe crystals to use, जिसके लिए आपको कोई जानकारी की जरूरत नहीं है, and irrespective of whatever you are going through, a small crystal, you know, will do good to you. I will not suggest कि किसी भी crystal का out of the way बिना consultancy के लिए हम कोई बहुत बड़ा सा चीज लाके अपने घर पे रख लें, क्योंकि वो आपके energy field पे कैसे असर करेगा, you will not be knowing. But these are some very basic, you know, crystals which anyone and everyone can keep in their houses, keep for themselves, keep in their energy body. Sabse pehle, let's come up to clear quartz. They protect us against negativity. Jis tarike ki negativity hamare logical, mental ya emotional health pe hoti hai, usse ye bahut jaldi hame help karta hai clean karne mein. Agar hum is situation mein stuck hai to ye hame ek bahut acha clarity provide karta hai. हमारा कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाता है एंड स्टिमुलेट्स द चक्रा. बेसिकली वर्क्स एज चक्रा क्लीनर्स. तो आपके किसी भी चक्रा में अगर नेगेटिविटी है तो ये एक चक्रा क्लीनर के जैसे वर्क करता है. तो दिस इज अ वेरी वेरी सेफ क्रिस्टल टू यूज, क्लियर क्वार्ट्ज, क्योंकि ये हमारे सारे चक्रास के एनर्जी फ्लो को बहुत स्मूदन आउट कर देता है नेगेटिविटी को हटा के. Next we have amethyst. ये आप लोग में से I don't know, it's a very very popular crystal. अगर आपने spiritual protection के लिए, खासकर ये chakra use होता है meditation के लिए, to facilitate intuition. तो जो लोग भी ये divine sciences में है लोगों के लिए ये crystal बहुत अच्छा होता है, या जो लोग meditate करते हैं regularly, या जिन्हें out of the way emotional या mental stress है, because it's a very calming crystal. बट इसमें भी हमें ये प्रिकॉशन लेना है कि हमें इस क्रिस्टल के साथ नहीं सोना है कभी भी. नेवर कीप देम बिसाइड योर बेड और नेवर कीप देम अंडर योर पिलो, बिकॉज व्हाट हैपेंस, इट इज अ क्रिस्टल बेसिकली रिलेटेड टू योर अजना चक्र. इट स्टार्ट्स एक्टिवेटिंग योर अजना चक्र, और अगर आपका अजना चक्र एक्टिवेट हो रहा है तो आप कभी भी सो नहीं पाओगे, आपके दिमाग में रात रहेगी. सो इट विल नॉट हेल्प यू स्लीप. कीप इट एट अ डिस्टेंस एंड लेट इट वर्क इन योर एनर्जी बॉडी विद अ डिस्टेंस, देन इट विल गिव यू अ वेरी कामिंग इफेक्ट. शीतल, एक क्वेश्चन था मुझे. जैसे अपने जो जेम स्टोन्स पहनते हैं उसका तो बोलते हैं कि बॉडी से टच होना चाहिए तभी वो काम करेगा.
क्रिस्टल में भी ऐसा कुछ है क्या? अगर आपका क्रिस्टल बहुत छोटा है तो ऑब्वियसली उसका एनर्जी फील्ड बहुत छोटा है, तो अच्छा है कि वो आपके एनर्जी फील्ड में, मतलब आपके, आप अपने पॉकेट में रख सकते हो, यू कैन कैरी इट इन योर पर्स, एक ऐसी जगह जहां बार बार टच कर रहे हो या जहां बार बार आपका हाथ जाता है, या आपके वार्डरोब जिसको आप दिन में सपोज आप कैश निकालते हो बार बार, आपने ऐसी जगह को रख दिया तो आप बार बार वहां जाते हो तो वो आपके एनर्जी बॉडी से टच होता है, और कम से कम शुरू के किस दिन तो आप उसको अपने साथ रखो, क्योंकि वो आपकी एनर्जी बॉडी से अट्यून हो जाए कि वो आपका पर्सनलाइज क्रिस्टल है एंड इट्स वर्किंग फॉर यू. एंड इफ यू हैव वेरी बिग क्रिस्टल्स और लाइक बिग स्पेसेस तो ऑब्वियसली उसके एनर्जी रेडिएशन और वाइब्रेशन हायर होते हैं, तो दे अफेक्ट ऑन अ लार्जर स्पेस. सो इफ यू आर कीपिंग समथिंग ऑन योर ड्रॉइंग रूम या डाइनिंग में अगर आप कुछ रख रहे हो एनवायरमेंट का वाइब्रेशन चेंज करने के लिए रख रहे हो, तो यू शुड गो इन फॉर बिगर क्रिस्टल. So next we are on this rose quartz. It's a very very must have for everyone. क्योंकि आज के इतने competition के जमाने में we have all become so self critical कि हमें लगता है we are not worth. हमें हर समय लगता है कि अरे maybe I am not capable of. Maybe मुझे और करना चाहिए. And you know we criticize ourselves so much that we have in a basically in a way forgotten to love ourselves. So basically it is self healing. Self love, you know, ये आपको प्यार करना सिखाता है. It opens up your heart. It teaches you to give unconditional love to everyone around you. And obviously, it's a very very important crystal for marital bliss. So, husband wife में नोक झोक होना बहुत normal सा बात है. To make that you know more lovey dovey, keep a rose quartz in your bedroom in the southwest. आप एक छोटा सा जेमस्टोन क्रिस्टल जो पेड़ के तरह आता है क्रिस्टल ट्री रोज क्वार्ट्ज का वो रख सकते हैं. एंड नाउडेज यू गेट न्यूमरस क्रिस्टल्स इन द यू नो अ पेयर ऑफ डक आप रोज क्वार्ट्ज का रख सकते हैं. सो इट विल यू नो क्रिएट अ लविंग हीलिंग एनर्जी इन योर रूम एंड अ वेरी सूदिंग एनर्जी. एंड इट ऑल्सो इज अ स्टोन ऑफ फॉरगिवनेस. यू नो हम कभी कभी दिल पे बहुत बोझ लेके चलते हैं. अगर हम किसी ने गलत किया है कुछ तो हम फॉरगिव नहीं कर पाते, तो धीरे धीरे इट यू नो एक्सपैंड्स योर हार्ट चक्र, इट मेक्स योर हार्ट बिगर एंड देन इट बिकम्स इजी टू लेट गो, टू फॉरगिव पीपल, टू फॉरगिव थिंग्स एंड लेट गो ऑफ गो इन योर लाइफ. सो इट्स अ वेरी स्वीट क्रिस्टल, इट हैज गॉट अ वेरी माइल्ड एनर्जी एंड इट्स वेरी सेफ टू कीप. वाओ शीतल, योर क्रिस्टल पिक्चर्स आर सो ब्यूटीफुल कि लग रहा है ब्यूटीफुल. एक्चुअली क्रिस्टल्स आर ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर्स. And believe me, if you hold, I'm actually having some in my this thing. Wow. You know, when you hold, आपको इतना प्यारा सा लगता है ना, you like feel like touching them all the time. When you hold, जिसको आप लगता है कि आप connect कर पा रहे हो, तो वो आपको बहुत अच्छा लगता है कि you know I should keep with myself all the time. So another important crystal, अब आज के दुनिया में we all want to attract wealth, abundance. Mental, it's like basically more of a business crystal. It helps attracts wealth, attract abundance. It's a strengthening stone. You know, it helps you strengthen your ground. You don't get carried away. कि numerous चीजों में आप carried away हो रहे हैं. It makes you solid on one ground. और आपको एक mental clarity देके आपको बहुत ideas आते हैं, imaginations आते हैं. आपके mental activity को ये enhance करता है. So basically, indirectly, it helps in your business and in growth. So again, it's a very nice, sweet crystal to have. But basically, it's more connected to our solar plexus chakra. So we can probably keep a small piece to ourselves. Black tourmaline. Oh God, this is a must have crystal because it's a grounding crystal. कभी कभी हमारा स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन तो ये हमें देता ही है. हमारे स्पिरिचुअल लाइन में ये एक एनर्जी प्यूरिफायर है जो हमारे सारे चक्रास के ब्लॉकेजेस और एनर्जी को ब्लॉकेजेस को दूर करता है, नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, शील्ड करता है. और बहुत बार वो ऐसा होता है कि वी आर ऑलवेज यू नो थिंकिंग प्लान्स विच आर नॉट प्रैक्टिकल और विच आर ओनली इन द एयर. हम प्लान्स बनाते हैं मगर उनको कभी भी प्रैक्टिकल नहीं कर पाते, रूट नहीं कर पाते.
या हमेशा एक ऐसी दुनिया पे रहते हैं जो हमें लगता है कि प्रैक्टिकल प्रैक्टिकलिटी से बहुत अलग है, या हमारे अप्रोचेस ऐसे हैं जो हमें इमटीरियलिस्टिक लगते हैं टू द वर्ल्ड. सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राउंडिंग स्टोन एंड इट्स वेरी सेफ. एनी वन एंड एवरी वन कैन कीप योर ग्राउंडिंग. ब्लैक टर्मलिन कोई भी रख सकता है, आप पहन सकते हो. जैसे आई एम वेरिंग वन, शीतल अभी नहीं दिखेगा, once you stop okay, the sharing. I'll show it to you later. Smoky quartz, क्योंकि ये आपको ग्राउंड करने में हेल्प करता है, ये आपके आइडियाज को और प्रैक्टिकल बनाता है. इट गिव्स यू अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच इन द लाइफ और आपकी लाइफ की नेगेटिविटीज को दूर करने में बहुत हेल्प करता है. So I'll give you a quick review again. The clear quartz helps removes negativity and gives clarity. The rose quartz for love. Conditional love. Yeah. Citrine is basically a meditation stone to enhance your third chakra and intuitive powers. Citrine is again a wealth stone, and black tourmaline again is a very important grounding stone. What I want to clarify over here, as we have reached the end to our all these crystals, they are blessed with multiple properties. लेकिन जब आप एक क्रिस्टल को अपने लिए यूज करते हो तो एक बार में एक क्रिस्टल को एक इंटेंट के साथ प्रोग्राम कीजिए आप, क्योंकि let that crystal work on that particular area before you move on to the next content, so that you can see the results nicely. And these gemstones are not magical in themselves. You are the person who are magical, and they just help and aid you enhance your magical abilities. So aapka hard work aur focus hamesha required rahega to empower you, and they are just aids to you. And if you do not believe in something or you cannot resonate in something which I have said so far in this slideshow so far, so please let it be, let it go. Just take what resonates with you to the best, and do not entertain yourself, you know, do not entertain yourself with crystals or healers if you don't believe in them. Go only if you have a belief or you want to actually try. Agar aapka ye positive attitude hai ki yes, let's give me a try, then also it's far. Just to experiment or just to, you know, amuse yourself. Because these are very, crystals are very powerful tools, and they emit continuous rays, and all the tarot readers, they take immense amount of energy to be able to tap into your energy world and give you details of your future. So go to them with an open mind and be receptive. And if you don't believe in them, it's just fine, just let it be. Yeah, this is what I would like to share. Very nice presentation, Sheetal. Let me spotlight you, and you are already spotlighted. So you can now show your crystals, Sheetal, jo aap dikha rahe the us time. Jaise I am having this smoky quartz. Again, it's basically something which, you know, gives you more ideas, help you in. जब हमें लगता है कि हम किसी चीजों को प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं या आइडियाज सिर्फ हमारे दिमाग में रह जाते हैं, एंड वी नीड मोर प्रैक्टिकल स्टेप्स, तो क्रिस्टल्स लाइक स्मोकी क्वार्ट्ज, ब्लैक टर्मलिन, दे रियली हेल्प यू. दिस इज अ वेरी स्वीट, यू नो, दिस इज वन ऑफ माय फर्स्ट क्रिस्टल्स व्हेन आई गॉट सो अमेथिस्ट. ये है अट्रैक्टेड टू हिट, तब मैं इतना डिटेल में इसको स्टडी भी नहीं करती थी. इट इज आई थिंक समहाउ दिस इज हेल्प्ड मी, यू नो, टेक माई स्टडीज फर्दर. Because basically it's a meditative crystal. It's crystal related to your third eye chakra, jo aapko divination sciences mein bahut incline karta hai. Right. Pehle aise hi le liya tha, ek baar mujhe kisi jagah bahut acha laga tha. Uske baad se I think I have started collecting. Continuously I am doing my this reading and research work on these sciences. Very nice. So, Sheetal, now what do we do next? Would you like to do... If someone has a question, we can clarify that. And after that, I'll take up 3 free readings, Kavita. Correct. You can write in the chat, and then randomly I'll, you know, according to the energy, I'll pick up the questions. Correct. So,
is there something which they need more clarification or they did not understand if I'm not clear? So there are a few questions. I'll read it out to you. Which crystal is best to start business? Start with the citrine. The yellow one. The yellow one. Start with the citrine. It really, you know, it abundance or wealth ke saath, it gives you a mental clarity also. Start with the citrine. Maybe too on your workplace, on your work table, just start with a small amount of citrine and see. And crystals ka kuch nahi hai. Agar aapko laga ki ek crystal aapko suit kar raha hai, aap ek bar mein ek lijiye. And if you feel that you can resonate with the energy, you can buy more. You can keep as many crystals as you want to, but start with smaller amounts. See, क्योंकि उनकी energy इतनी continuous होती है, वो आपके energy field को कैसे suit करती है, इसलिए अपने life में crystals को धीरे-धीरे incorporate कीजिए. Don't get too much at the same time. Okay, Sheetal. So next question is. Yes, so Saroj is saying that Pandit ji log to apne ko jo bhi batate hai pehenne ke liye, they don't say ki aap agar pregnant ho ya aapko koi psychological problem hai to aap mat pehno ya waisa kuch to bolte nahi ho, to bata dete bas aap pehen lo. Lekin Pandit ji to already aapke sab cheez aapki grah dasha check karke chaka bata rahe hain, aur plus aap jo stones pehante ho wo ek bahut small chota hai. Crystals vary in sizes and energy. और एक्चुअली मैं ये प्रिवेंशन इसलिए दे रही हूँ कि इन सर्टेन केसेस अगर आप घर पे कोई बहुत बड़ा क्रिस्टल ले आते हो, जैसे अगर आप एक बड़ा भी ले आते हो तो इट डजंट मैटर क्योंकि उसका एनर्जी बहुत माइल्ड है. लेकिन अगर एक अमेथिस्ट जैसा स्टोन या टर्मलिन जैसा स्टोन आप एक बहुत बड़ा अपने पास, नॉट ब्लैक टर्मलिन, टर्मलिन इज ऑल्सो रिमूव्स नेगेटिविटी. ये पांचों स्टोन जो मैंने बताया है, दे हेल्प रिमूव नेगेटिविटी. जैसे फॉर एग्जाम्पल रेड जैस्पर करके एक क्रिस्टल है, अगर आपने उसका बहुत बड़ा एक ले आया जो आपको कहीं एग्जीबिशन में अच्छा लगा, यू गॉट अट्रैक्टेड, तो व्हाट हैपेंस, दीज चक्रस से एक्टिवेट योर लोअर चक्रस, योर रूट चक्रा मोर. एंड व्हेन यू आर प्रेग्नेंट, आपके रूट चक्रा को हम ज्यादा एक्टिवेट नहीं करना चाहते बिकॉज थायराइड प्रॉब्लम्स, बीपी प्रॉब्लम्स बहुत एग्रेवेट हो सकता है. एंड दीज आर समथिंग्स विच योर बॉडी इज नॉट यूज टू, जो एनर्जी फील्ड इज नॉट यूज टू. अगर वो यूज टू था और आपके पास हमेशा से था तो भी अगर एक प्रेफरेबली स्मॉल क्रिस्टल हमेशा अच्छा होता है, स्मॉलर प्लेसेस के लिए और पर्सनल यूज के लिए, क्योंकि आप अपने छोटे से एनर्जी, मतलब योर एनर्जी ग्रोज, हमारे जनरली द ऑरा अराउंड अस इज नॉट मोर देन 2 to 6 इंचेस. नॉर्मल लोगों का ऑरा इज लाइक 2 inches. आप बहुत स्टडी करते हैं या आपके एनर्जी ब्लॉकेजेस नहीं है तो इट विल रीच टू 6 inches. एंड पीपल हु आर लाइक वेरी डिवाइन एंड बड़े बड़े जो साधु संत महात्मा, उनके ऑरास होते हैं एक रूम जितने बड़े. तो अगर हम अपने छोटे से ऑरा में कितना बड़ा क्रिस्टल ले आते हैं तो वो हमारे एनर्जी को इम्बेलेंस कर देता है. ओके, वी शुड इनकॉर्पोरेट क्रिस्टल्स इन आवर लाइफ वेरी स्लोली कि वो हमारे एनर्जी बॉडी को, हमें क्योंकि हमारे चक्रास को हमें बैलेंस करके आगे बढ़ाना है, हमें सिर्फ चक्रा को इम्बैलेंस करके प्रॉब्लम्स नहीं. अगर आपका एक चक्रा इतना बड़ा हो गया और बाकी चक्रास छोटे हैं तो अगेन आपके लाइफ में इम्बैलेंस प्रॉब्लम. ओके शीतल, द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन व्हिच वी आर गेटिंग इज हाउ डू वी आइडेंटिफाई दैट दिस इज अ रियल क्रिस्टल और अ आर्टिफिशियल क्रिस्टल एंड व्हिच इज द बेस्ट प्लेस टू बाय देम. सो कलकत्ता के कॉन्सेप्ट में एक बार बता दो. एक्चुअली कैलकटा में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बाय क्रिस्टल्स. ओके, मैक्सिमम क्रिस्टल्स जो मेरे भी लिए हुए आई हैव बॉट बाहर से क्योंकि आई ट्रैवल अ लॉट तो आई कीप कलेक्टिंग देम. मैं एक बेसिक चीज बताती हूँ, जैसे अगर आप देख रहे हो तो ये ध्यान से देखिए कि दिस इज अ वेरी रफ क्रिस्टल. तो क्रिस्टल जितना रफ होता है उसका मतलब है वो उतना ऑथेंटिक होता है. क्रिस्टल का आप देखिए कलर एकदम पर्पल नहीं है, नहीं है, हाँ. कहीं कहीं है कलर, कहीं नहीं है. आई शो अनदर क्रिस्टल, जैसे देखिए मे बी मैक्सिमम ऑफ अस विल नॉट गेट अट्रैक्टेड टू अ स्टोन लाइक दिस. बहुत अनइवन सा पीस है, कलर भी बहुत प्रॉपर नहीं है, तो मतलब कि ये इसके एनर्जी को टेम्पर नहीं किया गया है. करेक्ट, कुछ भी नहीं किया गया है. हम टम्बल स्टोन्स भी यूज करते हैं, लेकिन अगर कोई क्रिस्टल आउट ऑफ द वे कलर्ड है, जैसे एक मेरे पास एक लैपिस लाजुली का ये स्टोन है, आप देखिए इसमें हल्के हल्के क्रैक्स हैं, क्रैक्स है, कुछ है, कहीं क्रैक्स आ रहे हैं, इतना क्लियर नहीं है,
तो मतलब कि सिर्फ पॉलिश किया गया है, कलर नहीं किया गया है, डाई नहीं किया गया है, क्योंकि रफ क्रिस्टल्स आप पॉकेट में नहीं लेके चल सकोगे। अगर आपको पॉकेट में जाना है तो एटलीस्ट यू विल नीड अ टंबल स्टोन जिसको आप अपने पॉकेट में हमेशा रख सको। तो आप देखिएगा कि उसमें क्रैक्स होंगे, वो अनइवन होगा, वो सिंथेटिक मेड जितना डिफाइंड नहीं होगा। ओके, अवॉइड क्रिस्टल्स विच आर मैन मेड एंड विच आर डाइड। Try and take natural pieces. They work more. They will. You will be able to resonate with their energies more because they have this natural earth ka energy. Right. I think Nasik mein koi some center is also there for crystals. Mumbai ke pas Nasik mein. Mujhe yaad hai ki is tarah ke I think centers hai jahan pe aapko real natural crystals milte hain. So museum hai aur fir wo museum ka jo sales wala part hota hai. Agar I am not aware of this. Yeah, there is a very big center over there. ऐसे हैं जो आपको online में भी you know pure crystals मिलेंगे. So you can order them online. When you are ordering, you can look कि वो कैसे दिखा रहा है. And then तो उन लोग देते हैं कि man-made है, synthetic है. उन लोगों ने color dye किया है कि नहीं. They give you the details. Always study the details. If they are not giving the details, don't buy from that site. Buy from the site where they are giving you details कि yes we have not tampered with the मतलब डिपेंडिंग अपॉन वॉट यू वॉन्ट। आपको टम्बल चाहिए तो आप टम्बल ले सकते हो, उसको भी उन लोग सिर्फ पॉलिश करके छोड़ देते हैं क्योंकि आप और कलर में एक डलनेस होता है, एक बहुत ज्यादा ब्राइट कलर नहीं खिल कर आएगा। तो जो बहुत ज्यादा ब्राइट येलो या ब्राइट ग्रीन निकल के आ रहा है, हल्के से भी शेड्स नहीं आ रहे हैं, तो यू शुड नो दैट दे हैव डाइड इट। सो डोंट, सो अवॉइड दोस क्रिस्टल्स। ओके, and how do we know which crystal suits us? So Shraddha, I think for that you will have to do a consultation with Sheetal, and then she will be able to tell us tell you that. And these, you know, five crystals are basically for like everyone. So maine sare ek ek field ko leke ek ek crystal dala hai, ek love ke liye, ek wealth ke liye, cleansing ke liye, meditation ke liye. So you know if you don't ek basic hai agar aap nahi for to start up with, everyone can own one of these crystals and incorporate one at a time in your life. So pink to hum log sabhi khareed lenge, sabhi le sakte ho. Actually pink, white, black, sabhi le sakte ho. Yeah. And ha, Kavita ke baad se mujhe ek yaad aaya, if you team up a pink crystal and black crystal at the entrance of your home, you know, not only gives negative unconditional loving energy to your home, it also protects your home from negativity. So, agar aap pink crystal aur ek black crystal ko saath mein apne ghar ke entrance pe ya you know drawing ya dining area pe rakh sakte ho. Anju ka ek question hai ki aapne astrology kahan se kiya hai? Was that correspondence course or online? So, Sheetal, astrology mein? Yeah. I have not done astrology. She has not done. Actually, tarot is a science which is correlated to numerous other sciences. So usme astrological aspects hai, numerological aspects hai, crystal aspects hai. So isme wo ek, kyunki ye jitne bhi divine sciences aur spiritual sciences hote hain, ye bahut zyada interrelated hote hain. To aap generally dekhenge ki jo bhi insaan aapko lagta hoga ki ye kar raha hai, fir ye kar raha hai, when you go through the profiles, they have done numerous things because they are so correlated and they help you know the other person in depth. So, then people going for other courses as well. Okay. So, Sheetal, can we move ahead with the reading? Yes. Let people type in their questions. Okay. So, we have a question from Archana. My daughter is having a stomach pain which is not being diagnosed properly. Is it appendix pain? Should we move forward with diagnostic laparoscopy? Just a second. See, I would also like to specify one thing. Please don't take crystal healing as an alternate to medical procedures. आप नॉर्मल प्रोसीजर्स को प्लीज फॉलो कीजिए। लेट मी गो थ्रू द क्वेश्चंस। कविता, यू टेकन, वेयर डिड यू टेक दिस? दिस इज द लास्ट चैट।
My daughter is having a stomach pain. No, no, this is a question for your tarot reading. Oh, acha. So are people writing up for the questions for tarot reading? How do you want to do it? I don't know how it is done. I mean, they can all write up a question each year. And you know, फिर मैं randomly three questions select कर लेती हूँ on the yes. So there's one question. My daughter is having a stomach pain. The one which I read. The other one is again about the child. My 14 years old daughter is super energetic and very hyper. Gets annoyed very easily. Can crystals help her? Oh, this is not for tarot. Very annoyed. See, if what happens for specific questions like this, I will have you will have to get her energy body checked. Because agar normal mein agar wo you can try and put her energy into more creative things. Agar uska sirf root chakra zyada activated hai, to crystals like you know clear black tourmaline and clear quartz will help her, will calm her down also and help her ground also. So उसका जो एनर्जी है जो इतना सरप्लस है वो उसको बहुत क्रिएटिव और पॉजिटिव चीजों में लगाना चालू कर देगी. So these two crystals will help her a lot. Which ones, Sheetal, you said? Kavita, हाँ फिर से बोलो कविता. Which question? Which crystals you said? I said clear quartz and black tourmaline. Okay. हो सकता है if she is a over activated child, maybe her root chakra is activated. So what happens, clear quartz will give her clarity of what yeah. It will clear out the negativity of that chakra, and black tourmaline will ground her and she will put her energy into more creative and proper stuff. Yeah, got and it will calm down her also. She's saying she's very aggressive, right? Actually main scroll nahi kar pa rahi, just a second. Yes, yahi tha na. बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं. एक्चुअली मैं कहाँ हूँ, मैं और हूँ, मैं स्क्रॉल नहीं कर पा रही हूँ. ये कहाँ था? सो दिस इज थोड़ा सा ऊपर आओ, आप 4 o'clock के पास आओ. 4 o'clock के पास आऊँ मैं. आ गई, ये रहा. सुपर एनर्जेटिक एंड गेट्स वेरी हाइपर एंड गेट्स अनॉयड. हाँ, क्रॉस विल हेल्प अ काम डाउन आल्सो एंड ब्लैक टर्मिनल विल हेल्प अ ग्राउंड. तो आप क्योंकि बच्चे में किसी बच्चे में ज्यादा एनर्जी होता है, तो इंस्टेड ऑफ सप्रेसिंग द एनर्जी वी शुड पुट द एनर्जी इन द राइट फील्ड इन द राइट एवेन्यू विच विल रियली हेल्प अ लॉट. एंड यू कैन यू नो इनकॉर्पोरेट अ पिंक क्रिस्टल आल्सो अलोंग विद हर, क्योंकि पिंक बहुत कामिंग होता है, सूदिंग होता है. तो उसकी एनर्जी जो आप कह रहे हो कि अनोइंग है वो बहुत लविंग हो जाएगी और वो उसको बहुत हेल्प करेगा. तो शीतल, वो बच्चे के रूम में रख सकते हैं अपने जो क्रिस्टल्स आप बोल रहे हो? आप छोटे छोटे क्रिस्टल्स जिस साइजेस के मैंने दिखाए हैं अबाउट अ इंच और टू, आप उस बच्चे के साथ रख सकते हो. दीज आर वेरी सेफ क्रिस्टल्स टू बी केप्ट. ओके, एंड स्टार्ट विद द ब्लैक टर्मलिन एंड देन गिव अ वन बाय वन मोर इफ यू डू दैट. अगर लेकिन वो तीनों को कैरी कर सकती है, क्योंकि अगर इतनी हाइपर एक्टिव है तो वो बहुत इजीली कैरी कर पाएगी. वो इन उसकी एनर्जी को ग्राउंड करके बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट पे ले जाएगा. ओके, नाउ यू हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस. ओके, सो वी हैव अदर क्वेश्चंस. नाउ रेस्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस आर फॉर योर टैरो रीडिंग. नाउ यू नीड टू चूज एनी थ्री एंड या द आंसर. शी इज So we have this question from Redmi. I run my own recruitment consultancy, but because of pandemic, it's not working properly. Should I look for other options or stick on it? It will be better if you tell me what other options do you have. So I will be able to guide you correctly. Ki yes, this is the option which you should go for. क्योंकि आपने अभी मुझे सिर्फ एक ही choice दिया है कि आप मैं आपको ये बताऊँ कि हाँ या ना. Me a question in which I am deciding for you. If you give me more options, I will tell you which will be the best line to move ahead for. Soft skills training, she's mentioned. Huh? Soft skills training.
soft skin treatment. Just a second. What is the real name? I don't know actually. It's coming from the name Redmi. So ask the person to please tell the real name. Write the unmute herself and write the real name. Tell me. Garima. Can you please unmute yourself and talk to me? Hello? Hello? Yeah. Hello? Yeah, am I audible to you now? Yes, you are audible to me. My name is Garima Sharma. And Garima? Sharma. Okay. Please, can you repeat the question for me? Actually, I run my own recruitment consultancy. I have started from 2017. It's been going slowly and gradually. It was growing. But because of the pandemic, now suddenly things have changed a lot. So currently, it's not working. And I have a keen interest in soft skill training as well. So I was thinking whether I should stick with this consultancy business or I should, move ahead with this soft skill training. Okay, Garima. Garima, right now your business has come to a full stop. Obviously, जैसा ये आपके cards मुझे दिखा रहे हैं कि करीब करीब ये एक stop हो गया है because of so many things going on in the world today and in future also. You will have to shed off emotions with this. Maybe you are very attached to this company which you have been doing. Garima, can you hear me? Yes, Sheetal. Yeah. Yes, actually I am very much attached to this company because I dreamt to take it to another level. Yes, and suddenly things are not working. Because this is a situation where you have to let go of your emotions. You can't hold on back to them. Shed off the emotions. क्योंकि ये ऐसा ऐसा समय चल रहा है कि आपके जो cards मुझे बता रहे हैं कि this take up your emotions, you are just going to end up getting hurt. And as for the soft skill business which you were talking about, up right now you are in a duality of mind, which that you should be doing it or you're not doing it. But your cards are very promising. You will be able to. They are showing. This is some. They are going to develop slowly. Not that ki aap jaise hi start karoge kuch waise hi hype hone wala hai. But you will be starting at a good level only. And you will be able to take it to a next level, and it is showing a very promising monetary avenue to you. It is showing a very promising monetary avenue right now. And for the your purana business, just let go of the emotion. You are stuck with it. मतलब तुमको लग रहा था कि यही तुम्हारा world. So it means that you are telling the soft skill training that I should move ahead with it. Yes, you should move ahead. That
डोंट डिटैच योरसेल्फ इमोशनली फ्रॉम द थिंग, क्योंकि तुमको लग रहा था कि यही तुम्हारा दुनिया है एंड सब कुछ तुमको इसी से करना है, बट दिस इज टाइम टू लेट इट गो. It's difficult for me, but I'll try. I can't hear. I'm saying it's difficult for me, but I'll try to understand this way. I know, because I can see you are like, you know, the आपने अपना सब कुछ like आपका heart, mind, psychologically आपने सब कुछ उस business में लगा दिया था. You were like involved in and out in that business. Actually, I wanted to grow it as a women organization. And I bought a lot of work from home women to this so that they can also see a dream along with me. So actually, you had put so much in it, but now it's not the time to pursue. This is a time where you'll have to take, maybe in future, may, you know, saal, deek saal baad wapas, you can check what you can do with that. But right now, it's not the time. Right now, just let it go emotionally. Don't let it emotionally stop you from doing other things which are right now right for you. Thank you. Welcome. Next question we are taking up is almost 5 years and more, we are planning to renovate our home, but somehow it gets stuck and does not start. Okay, so what I will do for here for you is I will do a remedy spread for you, Pinky. Can you unmute yourself? Yeah, I can. Yeah, I'm here. And can Pinky Kothari, right? Right. Yeah, please repeat your question for me. Yeah, since it's more than 5 years even, we have bought a flat adjacent to our flat, but something other happens, but we are not in this. When I last month before this lockdown, almost we were ready to shift also to start the work, but it somehow didn't system because of the lockdown, it again got stuck. Basically, I see a disbalance of elements in your home. There is nothing which is something very normal, nothing very serious actually. कोई इसमें मुझे बड़ा दोष नहीं दिख रहा है आपके घर पे. आपके घर पे अगर आप बहुत सिंपल सा कुछ उपचार में अगर आपको बताऊं, अगर आप कर सको तो आपके एक तो घर का एयर एलिमेंट बहुत कम है और ऑब्वियसली रुपया बहुत लग रहा है उसमें. एयर एलिमेंट बहुत कम है और फायर एलिमेंट बिल्कुल भी नहीं है. अगर हो सके तो आप शाम को या सुबह किसी एक वक्त अपने जो आपका नया फ्लैट है या जो घर है जिसमें आप शिफ्ट होना चाह रहे हैं, किसी को बोलकर या आप नहीं, शिफ्ट नहीं, मैंने कनेक्ट करना चाह रहे हैं बगल में, कनेक्ट करना चाह रहे हैं, उसमें आप एक दिया जलाइए और हाँ चारों कोने में, मतलब घर के हर हिस्से में, ताकि आपका वहां पे एयर एलिमेंट बैलेंस हो, आपका फायर एलिमेंट बैलेंस हो. और आप जो साबुत काली मिर्च होती है, साबुत काली मिर्च और ब्लैक सॉल्ट लेके घर के सारे कोने में, मतलब मुझे कोई बेसिक मेजर ऐसा एनर्जी ब्लॉकेज नहीं दिख रहा है. आपके यहाँ एलिमेंट्स बैलेंस नहीं है,
अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट है, लेकिन एयर एलिमेंट और फायर एलिमेंट दम भी नहीं है. तो अगर होते तो कम से कम 21 दिन लगातार आप वहां पे घंटी बजाइए शाम के वक्त और दीपक जलाइए और काली मिर्च, साबुत काली मिर्च और ब्लैक सॉल्ट घर के चारों कमरे में डाल के उसको नेक्स्ट डे सुबह स्वीप ऑफ करवा दीजिए. सो इट विल हेल्प यू द ब्लॉकेजेस ऑफ एलिमेंट एनर्जी विच इज देयर इन योर हाउस. एक्चुअली सिंस यू ऑलरेडी नो द प्रॉब्लम, आई हैव स्ट्रेट ऑफ टेकन द रेमेडी स्प्रेड फॉर यू. ओके, काली मिर्च कैसे बॉल में रखें? काली मिर्च होती है साबुत काली मिर्च, हाँ. जो हम लोग काली मिर्च यूज करते हैं, साबुत काली मिर्च के कुछ दाने और ब्लैक सॉल्ट काला नमक लेके आप घर के चारों कोने में छिड़का दीजिए शनिवार को और संडे को सुबह किसी को बोलिए कि स्वीप ऑफ कर दे. ऐसा आप लगातार सैटरडेज को करते रहिए और घंटी बजाने का काम और दीपक जलाने का काम एक नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन पे लीवर से चालू कर दीजिए आप अपने, तो आपका एयर एलिमेंट और फायर एलिमेंट उस घर का बहुत बैलेंस हो जाएगा जो उसका एनर्जी बहुत लैक कर रहा है. Thank I hope this so helps much. You. I'll try my best. Yeah, you so please much. Do try and do, and if it helps you out, please let me know with a yeah, message. Yeah, sure. Yeah. Kavita, have you chosen any? Did you choose any question for me? No, I haven't. You need to choose. Okay, this I have chosen. And what was that? I want to know about my zero oil cooking idea, how to take forward. Yes. Can you please talk to me? मैंने ये आइडिया तो सोच लिया जीरो ऑयल कुकिंग, लेकिन इसको कैसे आगे लेके जाऊं मेरे को नहीं समझ. इसको एज अ बिजनेस हाउ इन व्हिच वे इन व्हिच डायरेक्शन शुड आई टेक फॉरवर्ड, दैट इज मींस आई हैव प्लान्ड फॉर टेक अवेज फ्रॉम वर्क ओके, सो आपका बिजनेस आपने बहुत आई मीन दिस इज अ बिजनेस विच इज लाइक वेरी क्लोज टू योर हार्ट और ये एक अच्छे नोट पे चालू हुआ था और लेकिन राइट नाउ आप कंफ्यूज हैं कि व्हाट टू डू, यू आर इन डबल माइंड हाउ दिस विल मूव, इट विल मूव फर्दर एंड योर इज लाइक इट्स अ Again, the card which has come up is a very promising. I will not say ki you will have to, क्योंकि ये आपका बहुत ज़्यादा क्या बोलती हूँ मैं आपके heart से attached. It is something which is very close to your heart. So आप हर चीज़ बहुत deeply सोचते हैं. So what happens ki you are आप बहुत emotionally involved होके सोचते हैं. आप इसको you know just take things as it come and it is a good sign aur aap agar apne intuitive aur instinct ko follow kare there is nothing which is going to stop you. Aap emotional mat hoiye, times are such when things are moving very slowly but it will definitely move and
फॉर मी अकॉर्डिंग टू मी यू नो दिस इज आप अपने इमोशंस के लिए यू शुड आपको मून अगर आप थोड़ा सा रिलीजियस में बिलीव करते हैं तो आप मंडे थोड़ा सा मून को आप प्लीज वो करिए क्या करें मून को अरख दीजिए हर मंडे शाम अरख दे तो मतलब मून हाँ अरख दीजिए और अगर आप हो सके तो थोड़ा सा सफेद चावल चीनी और मंदिर में दान करवा दीजिए क्योंकि आई सी द बेसिकली ब्लॉकिंग एनर्जी फॉर यू इज द मून आपके इमोशंस और जो आपको फ्यूचर आपके नहीं करने दे रहे हैं जो आपके आइडियाज को ब्लॉक कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो जाती है तो आप प्रैक्टिकली नहीं सोच रही है क्लियर क्वार्ट्स रखेंगे अपने पास जो अभी जिसको मैंने बताया था जिसे कोई भी रख सकता है दैट विल ऑल्सो हेल्प यू गिव अ लॉट ऑफ क्लैरिटी There is no आपका state of mind is like your conflict, your state of mind. हाँ. So when you busy with your state of mind, things will start moving ahead. It is a good card which is showing a lot of emotional connection to your business and there is no major block to it. Just start with this small, these small things. आप मंडे को ये दे दीजिए सफेद चीजों का दान करिए और वो एक clear quartz अपने पास रखिए हो सके तो कौन सा आपका आवाज चला जा रहा है समझ गए जो हरा मूंग को मेरे को हरा मूंग नहीं क्लियर क्वार्ट्ज जो सबसे पहले मैंने व्हाइट कलर का एक रिलेटेड टू द मून एनर्जी वो आपको बहुत क्लैरिटी देगा आपके इमोशनल माइंड के काम करेगा और आपको इंट्यूटिवली और सोचने के लिए हेल्प करेगा योर दिस इज उसको उसको कहाँ रखना है आप अपने पास रख सकती हैं पास रखें और जो अरग देने बोले वो हरा मूंग का बोले क्या नहीं हरा मूंग नहीं मैंने आपको सफेद चीनी कहा था दूध कहा था चावल कहा था क्या तो मंदिर में देने के मंडे को क्योंकि आई सी द ओनली ब्लॉकिंग थिंग इज योर मून का एनर्जी विच इज लाइक योर थॉट्स योर इमोशंस योर मूड फ्लक्चुएशंस मे बी वी आर गोइंग थ्रू सच एक्चुअली वर्ल्ड में भी ऐसा पैंडेमिक चल रहा है कि एवरीथिंग इज स्टक तो आप बहुत इमोशनली अप एंड डाउन हो जाती है आपका बहुत मूड स्विंग्स हो रहा है और आप बहुत कंफ्यूज और कॉन्फ्लिक्टेड हो रही है व्हेन यू डू दीज थिंग्स आपका मूड स्विंग्स और कॉन्फ्लिक्ट बनता है एट द सेम टाइम इट विल गिव यू मोर क्लैरिटी एंड हेल्प यू मूव अहेड विथ योर बिजनेस एंड यू विल कम अप विथ गुड आइडियाज बिकॉज यू आर ऑलरेडी प्रोग्रेसिंग यू आर ऑलरेडी मूविंग एट अ गुड लेवल देयर इज कीप मूविंग स्टेप बाय स्टेप ब्लॉक हटाते जाइए आप अपने सहयोग करिए इससे आपको हेल्प मिलेगा okay. I will do that. I think Kavita, I am done with three questions. So I really hope कि I was able to clear up the query and people could relate to it. Absolutely, शीतल because I know Rinku a bit, तो तुमने उसके बारे में जो read किया ना वो सही है एकदम वो खुद ही थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है उसके आगे कोई ऑब्स्टेकल है नहीं दैट आई कुड शी जस्ट नीड्स अ क्लियरिंग एनर्जी उसके मूड स्विंग्स दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि कभी-कभी हम लोग चीजों पे ऐसी चीजों पे फोकस करते हैं जो प्रॉब्लम नहीं है जो इजीली ठीक हो सकती है तो व्हेन यू नो नाउ वेयर वी हैव टू पुट एनर्जी एब्सोल्युटली पाथ बिकम राइट इट हेल्प्स अस सॉर्ट आउट रियली So, excellent session, Sheetal. जैसा कि मैंने बोला था कि this will be a very different session from whatever we had till now. It was actually very different and so much of clarity and awareness about what tarot can do for us and also the crystals. And I'm sure कि आज के session के बाद people will have more open mind for accepting tarot reading and crystal healing as a way of you know, finding out what future holds for them. At least I will do that. So, baki ka main nahi bol sakti, but I'm sure everybody loved the session. Beautiful crystals and pink to main lene hi ja rahi hun. So, thank you so much, Sheetal. Okay, thank you, everyone. Sheetal, yeah, Sheetal, just one thing. Like, people want to connect with you. I'll share your number. And then you my number is so already there in the group yeah but they and I will
have to find out. So I will just share your number for the consultancy if they wish to. And please, if you did, people did like my this webinar today, then please go into my Facebook page and like my Facebook page. Please share that in the group. Share the link. Share the link, please. Thank you so much. Bye bye. Bye. Bye.